सिकंदर सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। अटेम्प्ट होने के बावजूद हमारा एज लैब रोक जाता है और कोरोना महामारी हमारे सपनों का कत्ल करता है। जब सपनों का कत्ल होगा तो हम लोग सड़क पर आएंगे और सरकार को भी हम लोग कान खोल कर बोल देना चाहते हैं, हम लोग किसान के लड़के हैं। किसान जब जब सड़क पर उतरा है, किसान का बेटा जब जब सड़क पर उतरा है, वो हारना नहीं जानता है। आज हमारी संख्या यहाँ पर है, अगर सरकार नहीं मानती है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन के बाद, तो हम लोग जितेंद्र सिंह के घर पर जाएंगे और उनके घर पर आमरण अनशन करेंगे और देखते हैं कि अगर सरकार में दम है तो अपने सैनिकों को बोल दे, अपने बॉडीगार्ड को बोल दे, बंदूक का नाल खोल दे। किसान के बेटा है, गोली का नाल कम पड़ जाएगा और बंदूक की गोली कम पड़ जाएगी, पर सीना कम नहीं पड़ेगा उनके। सर, ऐसा है कि हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और कोविड महामारी के दौरान हम लोग बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं, जितने जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के एस्पिरेंट हैं, वो कुछ लोग एग्जाम नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो एग्जाम के दिन कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं। कुछ लोग एग्जाम देते हैं पर वो उस परिस्थिति में एग्जाम देते हैं कि उनके घर में दो दो देहांत हो चुका होता है। जब आपके घर में दो दो देहांत हो जाएगा, और क्यों देहांत होता है, सरकार की लापरवाही के कारण देहांत होता है। और जो प्रधानमंत्री जी की जो इतनी संख्या है, इनका वर्चस्व है, प्रधानमंत्री जी का वर्चस्व इसलिए है क्योंकि हमने उनको अपने पलकों पर बिठा रखा है। ये हम लोग हैं जिन्होंने उनको वोट करके प्रधानमंत्री बनाया और इतना प्रचंड बहुमत दिया है। सरकार की लापरवाही के कारण बहुत ऐसे इनके दो घर में दो देहांत हुआ है, हम लोगों के घर में दो दो देहांत हुआ है। आप बताइए उस स्थिति में क्या कोई कैंडिडेट एग्जाम में बैठने की स्थिति में रहेगा? पर वो एग्जाम में फिर भी बैठता है क्योंकि वो उसका अंतिम प्रयास है। सरकार कहेगी कि आपके पास अटेम्प्ट की सुविधा होती है, बिल्कुल अटेम्प्ट की सुविधा है, पर एक किसान का लड़का, एक मजदूर का लड़का, जब वो IIT में पढ़ता है, NIT में पढ़ता है, बड़े बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है, तब उसके साथ परिस्थिति ये बनती है कि उसके घर में उसकी बहन बड़ी हो जाती है। जब बड़ी बहन हो जाती है तो उसके पास जिम्मेवारी है बहन को ब्याह करने की। जब बहन को ब्याह करने की जिम्मेवारी है तो पहले अपना फर्ज निभाता है और अपने सपने को पीछे ढकेल देता है, फिर अपनी बहन को डॉरी सिस्टम देश में यथार्थ है 20-25 लाख रुपया देना पड़ता है। हम लोग जो थोड़ा बहुत कमाते हैं पैसा देते हैं, तब तक हमारी उम्र 27-28 साल हो जाती है। जब 27-28 साल होती है तब हम अपने सपनों को जीना स्टार्ट करते हैं। जब सपनों को जीना स्टार्ट करते हैं तो कोरोना महामारी आ जाता है। जब कोरोना महामारी आ जाता है तो घर में देहांत होता है। उस परिस्थिति में कोई एग्जाम देने की स्थिति में नहीं रहता है। उसके लिए हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट यह कहता है यह एक नीतिगत मसला है और नीतिगत मसला पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो यह जुडिशियल एक्टिविज्म के दायरे में आ जाएगा। सरकार उस पर किन कर्तव्य मूल की स्थिति में है। क्या होगा अगर गवर्नमेंट आप लोगों की मांग को पूरा नहीं करेगी? सर, अगर मैडम सरकार हमारी मांग को नहीं सुनेगी तो हम लोग गांधी को पढ़ने वाले लोग गांधी में सबको अपना रहे हैं और हमने भगत सिंह को भी पढ़ा है। और जिस तरह का सरकार का रवैया है वह तोड़ फोड़ की भाषा समझती है। वह तोड़ फोड़ जो अग्निवीर अगर एक मिनट में रेलवे को चौक करता है, 24 घंटा के अंदर मंत्री आ जाते हैं, बोलते हैं आप जो बोल रहे हैं मान रहे हैं, तो इस गांधी के देश में गांधी को केवल फोटो लगाइएगा और जब गांधी का फोटो क्या लगता है की लगता तो है की सरकार यही बात समझना चाहती है। लेकिन हम लोगों का निर्णय बहुत साफ है, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो जो DOPT मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके घर के सामने हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे और DOPT मंत्री जी से मात्र हमारी एक मांग रहेगी कि बंदूक का नाल खोल दीजिए, राइफल का गोली चलने दीजिए, आपकी गोली कम पड़ेगी, छाती कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग किसान के लड़के हैं, हम लोग हारना नहीं जानते हैं और इस गांधी के देश में गांधी मेथड का जीत होगा।